अरुण वाल्मीकि जी के परिवार से मिलके आई हूँ। जो बातें उन्होंने मुझे बताई है दीदी सामने, मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि इस सदी में ऐसी चीजें किसी के साथ हो सकती हैं। उन्होंने मुझे बताया कि 17-18 लोगों को, वाल्मीकि समाज के 17-18 लोगों को संडे को उठाया गया अलग अलग जगहों से, पुलिस थाने में ले गए, वहाँ पे बेरहम पिटाई हुई है इनकी। उनकी बीवी ने मुझे बताया उनको सिर्फ महिला ने नहीं लेकिन पुरुषों ने भी मारा है, उनके बड़े बड़े घाव हैं, उनके सामने उनके पति को मारा गया है, पीटा गया है बेरहमी से, उनके हाथ पैर बांध के। उन्होंने मुझे यहाँ तक कहा कि इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया उनको, और जो बातें मुझे बताई मैं दोहराना भी नहीं चाहती क्योंकि मतलब मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा किसी के साथ हो सकता है जो उन्होंने कहा। 4 दिनों के लिए उनके परिवार के सदस्यों को थाने में रखा, बेरहमी से पीटा। उसके बाद जब अरुण को उठाकर ले गए, उनकी बीवी ने उनको इस तरह से पीटा किया। उनके भाई उनसे मिले 2 बजे रात को, सुनने को कह रहे हैं कि जब मिले ठीक लग रहे थे। उसके बाद उनको 2:30 बजे बताया गया कि उनकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम में परिवार का एक भी सदस्य मौजूद नहीं था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट परिवार को नहीं दी गई है। एक तहरीर दिखाई गई एक भाई को, उससे साइन करवाई गई, उनको पढ़ना नहीं आता, उनको ये भी नहीं मालूम है कि उन्होंने क्या साइन किया है। उनके घर को एकदम रैनसैक किया गया है, आप जाए उनके घर देखें, उनके पलंग तोड़े गए हैं, उनके कपड़े फेंके गए हैं, उनका सारा सामान निकाला हुआ है, और अलमारियों में से जो उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए रखा था अरुण जी के भाई ने, वो भी लेके चले गए। तो ये किस तरह की